अंबाला में बस स्टैंड पर कैबिनेट मंत्री परिवहन मंत्री अनिल विज के छापे के मामले को लेकर इस वक्त की एक और अहम जानकारी। अन्य विभागों में भी अब सख्ती दिखाई गई है। अंबाला छावनी बस स्टैंड पर रेड की थी अनिल विज ने, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की तरफ से भी अब रेड की गई है और अधिकारियों ने खाने पीने के सामानों के सैंपल लिए हैं, क्योंकि कई तरह की गड़बड़ियां और लापरवाहियों की बात कल सामने आई थी और उसके बाद अब दूसरे मंत्रालय भी दूसरे विभाग भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। तो खाद्य आपूर्ति विभाग की तरफ से अंबाला कैंट बस स्टैंड पर रेड की गई, खाने पीने के सामानों के खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए और इसके अलावा इस तरह की प्रक्रिया पूरे प्रदेश में भी चलने वाली है। तो जो भी लोग अलग अलग जगहों पर बस स्टैंड पर या रेलवे स्टेशन पर या जो भी सार्वजनिक जगहें हैं वहां पर खाने पीने का सामान बेचते हैं, वो अभी से ही सावधान हो जाएं और कहीं पर उनकी तरफ से गड़बड़ियां की जा रही हैं तो अपनी इन हरकतों से बाज आ जाएं, क्योंकि कभी भी उनके यहां पर रेड हो सकती है। तो कल अनिल विज का एक्शन दिखा था और आज खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों का एक्शन नजर आया। ये दो अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। कल अनिल विज काफी सख्त अंदाज में नजर आए थे और उन्होंने ये भी कहा था कि वो इसी तरह से काम करते हैं। कड़ी फटकार अधिकारियों को लगाई थी, खाने पीने के सामानों को लेकर भी उन्होंने नाराजगी जताई थी, उसको भी उन्होंने चेक किया था। उसके बाद शायद खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने इसको संज्ञान में लिया और अब अंबाला कैंट बस स्टैंड पर पहुँच कर उनकी तरफ से खाने पीने के सामानों पर की सैंपल लिए गए। मंत्री साहब हैं विज जी, उन्होंने यहाँ जस्ट चेकिंग की थी बस स्टैंड पे, तो कुछ अनियमितताएँ पाई गई तो उसके हिसाब से आज हमने चेकिंग की है। कल भी कुछ दुकानों की सैंपलिंग हुई लेकिन कुछ दुकान ये बंद करके चले गए थे, तो आज फिर पुणे जो है इनकी चेकिंग, यहाँ चेकिंग के लिए हम आए हैं और चेकिंग कर रहे हैं। तो उसमें बेसिकली जो है सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस जो है किसी भी दुकान के लिए वो बड़ा मैंडेटरी है, ज़रूरी है, तो वो चेक किया गया तो इनके पास लाइसेंस अवेलेबल नहीं है। बाकी सैम्पलिंग का जो लगभग ये लगा लो पैकिंग का सामान है, कोई भी सामान ऐसा नहीं है जो प्रिपेयर किया जाए, ब्रेड पकौड़े वगैरह इस टाइप की जो कॉमनली बस स्टैंड पे चीज़ें मिलती हैं, तो सारी चीज़ें जो चेक करने में आ रही हैं सारी पैकिंग की चीज़ें हैं। तो पैकिंग के आइटम में से एक दूध का सैंपल हमने लिया है और उसको चेकिंग के लिए हम भेज रहे हैं, तो जैसे रिपोर्ट आएगी फर्दर प्रोसीडिंग, उसके बाद जैसी रिपोर्ट होगी उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी।